subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। डिक्सन टेक्नोलॉजी का जैसे ही नाम आता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो है एक बार देखता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है। ऐसा ही एक शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जहां पे भी अगर देखेंगे तो ये शेयर जो है बहुत सारे, अगर आप देखते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों के जो है इंटरेस्ट में आता है डिक्सन टेक्नोलॉजी। बहुत बार दोस्तों अगर आप ये शेयर का एक ज़्यादा ग्राफ ला के देखते हैं, स्टॉक के प्राइस में जो है ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और ये एक ऐसा शेयर है अगर देखेंगे तो मतलब यहाँ पर जो रिटर्न भी अच्छा देखने को मिल सकता है। कंपनी अगर देखेंगे तो फंडामेंटल एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो यहाँ पे दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो कुछ दिन से जो प्राइस है इसका एक कंसोलिडेट लेवल पे जो है प्राइस चल रहा है, कंसोलिडेट लेवल पे चल रहा है, कुछ ज्यादा जो है यहाँ पे रिटर्न भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपने रिसर्च किया है स्टॉक को लेकर, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएंगे। तो देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी में अगर आप भी देखेंगे तो बोल सकते हैं कि एक सपोर्ट लेवल जो है लगभग 5,220 के आसपास जो एक सपोर्ट जोन में ये शेयर, उसके नीचे अगर ये शेयर जाता है दोस्तों तो हो सकता है कि 5,000 के आसपास भी देखने को मिले। सिर्फ एक हम लोग ओवरव्यू में देखिए, जब भी आप कोई भी शेयर खरीदते हैं बेचते हैं तो खुद से एक बार जरूर रिसर्च कीजिए। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि स्टॉक में जो है अभी क्या चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक में जो जबरदस्त एक बुलिश पैटर्न बना था, अभी अगर हम लोग कुछ दिन से देखते हैं तो जबरदस्त एक तेजी बोल सकते हैं आप यहाँ से जो है देखने को मिला था स्टॉक में। और अभी यहाँ पे दोस्तों हम लोग अगर एक दिन का ग्राफ देखते हैं, एक दिन के ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्टॉक में एक बोल सकते हैं कि अभी जो लग रहा है ऐसा कि हो सकता है कि ये शेयर जो है यहाँ से थोड़ा गिरावट दिखाए। तो देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी एक जबरदस्त यहाँ पे पैटर्न जरूर बनाया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक में गिरावट बनता हुआ दिखे। सिर्फ एक ओवरव्यू है क्योंकि स्टॉक में अभी जैसा चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है शेयर बेचना है। अगर आप यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए बाकी जो इन्फॉर्मेशन है स्टॉक को लेके कि स्टॉक में अभी क्या करना है या फिर स्टॉक में अभी क्या अपग्रेड है, दिग्गजों का क्या मानना है ये शेयर को लेके, वो सब एक बार देख लेते हैं। दोस्तों एक साल के अंदर आप स्टॉक का प्राइस देख सकते हैं कहाँ पे पहुंच गया था, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 5,700 का लेवल भी जो है ये शेयर एक साल के अंदर क्रॉस कर लिया है। उसके बाद लगातार ये शेयर में जो है गिरावट बनता हुआ दिखा, यहाँ पर जिससे लगातार ये शेयर में गिरावट बना है, वही अगर देखेंगे एक महीने से तो एक महीने के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस 5,144, उसके बाद स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिला था। वन वीक के अंदर शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक जबरदस्त स्टॉक में रैली देखने को मिला था, जब स्टॉक का प्राइस 5,300 के पास पहुंचा था या फिर 5,300 भी क्रॉस किया, उसके बाद स्टॉक में गिरावट बना है। अभी एक दिन का ग्राफ में देखेंगे दोस्तों तो एक दिन में भी जो स्टॉक में यहाँ पे गिरावट बनता हुआ हम लोग को दिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में जो गिरावट बना, बीच बीच में बाउंस बैक ये जरूर दिया है, फ्लक्चुएशन हो रहा है बहुत दिन से इसके शेयर के प्राइस में। अभी मार्केट के जो दिग्गज है ये शेयर को लेकर अगर देखेंगे तो ज्यादातर दिग्गजों का मानना है कि ये शेयर में आप होल्ड कीजिए, ये शेयर में आप बाई कीजिए, यहाँ पे हो सकता है कि अगर अच्छा यहाँ से एक रैली दिखाता है तो शेयर में एक रिटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। एक मोटा मोटा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ये स्टॉक को लेके कि यहाँ पे जो अभी क्या चल रहा है ये स्टॉक में जो टेक्निकल ग्राफ अगर देखते तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है 59% कह रहे हैं कि ये शेयर में बाई कीजिए, होल्ड करने के लिए 27%, सेल करने के लिए 14%। तो फिलहाल जो हमारा ओवरव्यू है शेयर को लेके, यहाँ पे फिलहाल लगता है अगर किसी ने थोड़ा ज्यादा प्राइस में लेके रखा है तो अभी तो होल्ड नहीं, माफ कीजिए, अभी तो सेल जो है नहीं करना चाहिए स्टॉक में। अगर आप होल्ड कर सकते तो बिल्कुल ये शेयर में थोड़ा सा होल्ड कीजिए, तो यहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको बताना चाहेंगे दोस्तों ये डिक्सन टेक्नोलॉजी का अगर आप देखते हैं तो एक बहुत ही आप बोल सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो है एक मार्केट प्लेयर माना जाता है, और बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि शेयर ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ये कंपनी। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं स्टॉक का, तो आप देख सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी का, तो यहाँ पे जो है अगर देखेंगे तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है आप देख सकते हैं जहां पे थोड़ा घटाया गया है, प्रमोटर होल्डिंग्स में जो थोड़ा कम किया गया है। म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं जो कि 8.89% था वो भी 8.06% हो चुका है सितंबर 2021 का क्वार्टर का हम लोग बात करें, आपको ध्यान देना है। आधा डोमेस्टिक के पास 0.68% का जो स्टेक है, फॉरन
फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो 19.80% का स्टेक था और यहाँ पे सितंबर 2021 क्वार्टर में 18.43% कर दिया, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे एक स्टेक घटाया है। वही देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर जो है 37.92% का जो है स्टेक यहाँ पे कर दिया, उन लोगों ने जो है यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है। तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा ट्रस्ट बोल सकते हैं कि ये शेयर में है और बहुत ज्यादा खरीदारी भी जो है। तो यहाँ पे क्वार्टरली जो रिजल्ट है कंसोलिडेट डिक्सन टेक्नोलॉजी का वो आप देख सकते हैं। जून 2021 क्वार्टर में जो सेल्स ग्रोथ था वो था 1867 करोड़ का और सितंबर 2021 में यहाँ पे एक जबरदस्त जंप देखने को मिला है सेल्स में और वो हो चुका था 2804 करोड़ का। ग्रॉस प्रॉफिट आप देख सकते हैं दोस्तों जो कि जून 2021 क्वार्टर में सिर्फ 39.14% का था, 39.14% से जो है जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ के 101.83 करोड़ हो चुका है। तो डबल के या फिर माफ कीजिए ट्रिपल चौपल के यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा था। तो मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा है, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का जो है 49.70 करोड़ था और वो बढ़ के हो चुका था 115.38 करोड़। और यहाँ पे अदर इनकम की बात करेंगे तो अदर इनकम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 0.38 करोड़ से लेके 0.95 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि था सिर्फ 18 करोड़ का वो बढ़ के हो चुका था 63 करोड़। तो दोस्तों कंपनी वाइज एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है और अभी जो रिजल्ट आएगा हो सकता है कि इसमें भी एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट डिक्सन से पोस्ट किया जाए क्योंकि बहुत ही एक बढ़िया कंपनी है। एक परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का जबरदस्त परफॉर्मेंस है और इस इंडस्ट्री में इसको मार्केट लीडर माना जाता है। और अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो भी शेयर मार्केट के एनालिस्ट है उन लोगों में से 57% कह रहा है कि ये शेयर में बाय कीजिए। तो देखिए बाय करने के लिए जो यहां पे हम लोग बता रहे हैं तो यहां पे देखिए बाय उसी को करना है जो यहां पे थोड़ा समय होल्ड कर सकता है क्योंकि स्टॉक के प्राइस में अगर देखेंगे तो कुछ दिन से जो कंसोलिडेटेड लेवल में ये शेयर चल रहा है, कंसोलिडेटेड लेवल में चल रहा है, अगर यहां से थोड़ा गिरावट जैसे कि अगर देखेंगे तो लगभग 5220 के आसपास जो है एक सपोर्ट लेवल है उससे भी स्टॉक अगर गिरता है दोस्तों तो हो सकता है कि उसमें और ज्यादा गिरावट बनता हुआ दिखे। बट फिलहाल अगर कोई ये शेयर में होल्ड करेगा, अगर आप यहां पे एक शेयर खरीदते हैं डिक्सन का, यहां पे आप थोड़ा समय होल्ड करते हैं तो आपको हो सकता है कि आप एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाए। अभी यहाँ पे शेयर का जो डेटा है वो एक बार देख लेते कि शेयर के डेटा में क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, उसमें क्या अपडेट है, तो एक बार पता चल जाएगा कि शेयर में अभी क्या चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे एक दिन का अगर इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे जो शेयर का कंबाइंड ट्रेडेड वॉल्यूम है वो देख सकते हैं, शेयर के जो डिलीवरी है यहाँ पे देख सकते हैं कंबाइंड में जो है उसमें थोड़ा गिरावट बनता हुआ दिखा है और डिलीवरी परसेंटेज आप देख सकते हैं जो कि सिर्फ 36.8% के आसपास जो है यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले का यहाँ पे देख सकते हैं उसमें भी अगर देखने को मिल रहा है कि ड्रॉप इन डिलीवरी जो है शेयर का उसमें देखने को मिल रहा है। शेयर का प्राइस जो है दोस्तों इतना बड़ा एक शेयर है जहाँ पे लगभग 0.1% के आसपास जो स्टॉक में तेजी बनता हुआ दिखा था, 28.8% ही सिर्फ खरीदारी हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ दिन से आप देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज शेयर का बोल सकते हैं कि 44.1% ऐसा कुछ ज्यादा से ज्यादा हिट हुआ है और उसके पहले अगर देखेंगे तो लगभग 53.3% के आसपास हिट हुआ था। उसके बाद लगातार जो इसके शेयर के डिलीवरी जो परसेंटेज है उसमें एक गिरावट बनता हुआ दिख रहा है, यहां से देख सकते हैं लगातार जो यहाँ पे शेयर के परसेंटेज में एक गिरावट बनता हुआ दिखा है। तो देखिए अभी यहाँ पे जैसा हम लोगों को लग रहा है वो हम लोगों ने शेयर किया इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा ओवरव्यू है कि आप अगर कोई होल्ड करेगा तो दोस्तों हो सकता है कि अच्छा एक रिटर्न देखने को मिल जाए। बाकी अगर देखेंगे तो बाकी रिक्वेस्ट करेंगे कि अब कोई भी शेयर अगर आप खरीदते हैं दोस्तों तो खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। तो वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर में क्या चल रहा है, डिक्सन टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an